नमस्कार, मैं इंदिरा, स्पेशल एजुकेटर लोटस पेटल फाउंडेशन से। आज का टॉपिक है सर्कल, क्लास फिफ्थ। आइए सर्कल के बारे में जानते हैं और इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्कल एंड इट्स पार्ट। तो सर्कल, यू नो व्हाट इज सर्कल, राइट? सर्कल मीन्स गोला, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट सम कॉमन वर्ड्स दैट वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कल। हम थोड़े जो कॉमन वर्ड्स जो होते हैं सर्कल के लिए जो यूज किए जाते हैं, जो सर्कल के पार्ट्स होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑल पॉइंट्स ऑन ए सर्कल आर एट इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो सर्कल का जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। जो सेंटर से सर्कल का किसी भी भाग का जो दूरी होता है क्या होता है, लगभग सेम डिस्टेंस होता है। जैसे ये सर्कल का सेंटर है तो इस वाले पार्ट तक सर्कल का दूरी देखो कितना है, जैसे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। इस वाले सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस यहां तक कितना हो जाएगा, सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस यहां तक कितना हो जाएगा, जैसे 5 सेंटीमीटर। इनफैक्ट अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ये क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है, मतलब कि बंद आकृति होती है। जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है ना, क्लोज फिगर, वैसे सर्कल भी हमारा क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। अनदर वर्ड टू रिमेम्बर, रेडियस। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, रेडियस है। तो अब हम देखेंगे कि रेडियस क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट, ठीक, ऑन इट इज कॉल्ड रेडियस। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है, रेडियस। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से। जो रेडियस होता है ना बच्चे, वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डायमीटर अपॉन टू, मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाय टू। तो हमारा वो कितना आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, वो रेडियस आ जाएगा। थर्ड पॉइंट इज कोड। कोड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट। ये एक तरह का लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड, ठीक है। जैसे इसमें M और N क्या हो जाएगा, हमारा कोड हो जाएगा। इसमें S और T हमारा क्या हो जाएगा, कोड। P और Q हो जाएगा, ये भी क्या है, कोड। ए कोड कैन हैव मैनी डिफरेंट लेंथ। जो कोड का जो लेंथ होता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होता है। नाउ कैन यू गेस विच इज अ लॉन्गेस्ट कोड इन द सर्कल। जो सर्कल में जो होता है सबसे लंबा कोड कौन सा होता है, वो होता है हमारा डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। ए कोड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जो कोड होता है सर्कल के सेंटर, सर्कल के क्या होता है, बिल्कुल जो सेंटर में से जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डी से, डी फॉर डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। जो डायमीटर होता है ना, वो जो मैंने आपको ऊपर रेडियस बताया था ना, उसका क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। जब भी डायमीटर अगर आपको सर्कल में निकालने के लिए बोलेंगे, तो रेडियस हमारा जो दे रखा होता है उसको क्या करना होता है, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है बच्चों। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सर्कमफ्रेंस, आर्क एंड सेमी सर्कल। आर्क और सेमी सर्कल को बताने से पहले मैं आपको सर्कमफ्रेंस के बारे में बताना चाहूंगी। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। जो ये सर्कल का जो बाउंड्री होता है ना, इसका जो लेंथ होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्क। आर्क क्या होता है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो हमारा ये आर्क है ना, ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, पोर्शन होता है। जैसे इसमें ए और सी, ये दोनों क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस का क्या है, ये पोर्शन है। तो ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, ये आर्क। डी और ई इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्क। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, वेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय टू वी गेट सेमी सर्कल। जो हमारा फुल सेमी सर्कमफ्रेंस होता है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये सेमी सर्कल। इसी तरह बच्चों, आज आपने सर्कल और इसके पार्ट के बारे में स्टडी किया आज, ठीक है। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।